क्वेश्चन नंबर तीन लिखा हुआ है क्या, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री जहां 2a एक न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसका मान निकालना है tan 2a बराबर लिखा हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री। तो हल करते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक है, cot 90 माइनस कौन सी 2a, यहां भी लिखा हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, a वाला जाति को एक तरफ, बिना a वाला जाति को एक तरफ, मतलब जिसका जाति जिधर है उधर पहले लिखेंगे। तो जाति नंबर एक मतलब a वाला जाति इधर है, इधर लाते हैं, मतलब 2a यह प्लस में संख्या है, कौन सी में आएगा, माइनस में, इधर प्लस में कौन सी में आएगा, इधर माइनस में आएगा। तो माइनस ए इजकल टू माइनस 18 प्लस में 90, उधर कौन सी में आएगा, माइनस में 90, लिखते हैं माइनस में 90। ठीक है, 2 रुपया कर्जा और 1 रुपया कर्जा मिलाकर कितना रुपया कर्जा होगा, 3 रुपया कर्जा, कितना रुपया कर्जा होगा, 3 रुपया। 90 रुपया कर्जा और 18 रुपया कर्जा, कहने का मतलब है कि 108 रुपया कर्जा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 गुना में कौन सी में आएगा, भागा में, 108/3, 108/ कौन सी 3, तो हो जाएगा 3 * 9, 10 में 1 बचा, 1 * 8 18 और 3 * 6 = 18, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 36 डिग्री। यह क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना होगा, 36 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। 4 नंबर में लिखा हुआ है कि tan a बराबर cot b, cot क्या है, b, तो हमको सिद्ध करना है, यह गिवन डेट है, मतलब दिया हुआ है। ठीक है, और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है पहली बात कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, a प्लस b बराबर कितना डिग्री सिद्ध करना है, 90 डिग्री। तो इसका प्रमाण देंगे, गिवन डेट क्या दिया गया हमको, दिया गया है tan a बराबर cot क्या है, b, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, या तो इसको चेंज कर लेंगे या तो इसको चेंज कर लेंगे, इसको चेंज करेंगे क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग cot 90 डिग्री माइनस a। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे है वैसे लिख दीजिए cot b। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब बचेगा 90 डिग्री माइनस कौन सी a बराबर, क्या बच जाएगा, b, माइनस में a उधर कौन सी में जाएगा, प्लस में, इधर माइनस में संख्या उधर कौन सी में जाएगा, प्लस में जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री बराबर हो जाएगा b या प्लस कौन सी a लिखेंगे, इसीलिए a प्लस b बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, प्रूव। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर पांच में कहता है यदि सेक चार लिखा हुआ है, यदि सेक चार ए बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, जहां चार ए एक न्यूनकोण है, तो कौन कहता है कि ए का मान ज्ञात करने के लिए। चलिए ए का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। लिखा हुआ है पांच नंबर में क्या निकालना है हमको, सेक चार सेक ए बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, ठीक है। इससे हमको जो है क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। इसको बदल दीजिए, तो इसको बदलेंगे क्या लिखेंगे भाई, इसको बदलेंगे लिख सकते हैं हम लोग कोसेक, यह चीज को लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस 4 ए, ठीक है, इजिकल टू कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा वो, अब बचेगा 90 डिग्री माइनस 4 ए इजिकल टू ए माइनस 20 डिग्री। यह संख्या प्लस में है, इधर कौन सी में आएगा, माइनस में आएगा, इधर कौन सी में आएगा, माइनस में आएगा। यह संख्या को प्लस में, इधर कौन सी में आएगा, माइनस में, चार ए प्लस में, इधर कौन सी में आएगा, माइनस में, माइनस 20 डिग्री, यह प्लस में, इधर कौन सी में, माइनस में 90, ठीक है। चार रुपया कर्जा और एक रुपया कर्जा मिलाकर कितना रुपया कर्जा हो जाएगा, पांच रुपया कर्जा। लिखते हैं माइनस पांच ए बराबर 90 रुपया कर्जा और 20 रुपया कर्जा, कितना हो जाएगा कर्जा, 110 रुपया कर्जा हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, ए बराबर हो जाएगा पांच गुन्नी में लोगों जाएगा भागा में 110 बटे पांच, तो क्या होगा, पांच दुनी दस एक, पांच दुनी दस, ए बराबर कितना रेडी हो जाएगा, 22 डिग्री। यह सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 22 डिग्री, ठीक है।